बाड़मेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने प्रभारी जिला स्पेशल टीम विक्रम सिंह, सदर थानाधिकारी सत्य प्रकाश, कोतवाल लेखराज सियाग, बाड़मेर ग्रामीण थानाधिकारी दिनेश लखावत, रिको थानाधिकारी देवाराम चौहटन, थानाधिकारी पद्माराम मय पुलिस टीमों द्वारा DST बाड़मेर की सूचना पर सनावड़ा से भोमासर की तरफ जा रहे ट्रक का पीछा कर सरहद भोमासर में ट्रक को रुकवाया गया। ट्रक में चावल की भूसी के कट्टों के नीचे छुपाकर रखे 4 क्विंटल 91 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किए गए। साथ ही आरोपी लक्ष्मण पुत्र पेमाराम मेघवाल निवासी खड़ीन को गिरफ्तार किया गया। अवैध डोडा पोस्त की कीमत करीब 73 लाख रुपए बताई जा रही है। बाड़मेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश में विशेष अभियान के तहत त्वरित अनुसंधान सेल ASP नाजी मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए भोमासर सरहद में एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। जानकारी अनुसार बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा को मुखबिर से इनपुट मिला था कि एक ट्रक में अवैध डोडा पोस्त भरकर तस्कर सप्लाई देने जा रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित अनुसंधान सेल ASP नाजी मलिक के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन कर चौटन DSP कृतिका यादव, DST टीम बाड़मेर, चौटन थाना पुलिस, कोतवाली थाना, सदर थाना सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने ट्रक का पीछा कर सनावड़ा के पास भोमासर सरहद में रुका कर तलाशी दी तो उसमें चावलों के कट्टों के नीचे छिपाए गए 24 कट्टे डोडा पोस्त से भरे बरामद हुए, जिनका थाने ले जाकर वजन किया गया तो करीब 491 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर ट्रक चालक लक्ष्मण पुत्र पेमारा मेघवाल निवासी खड़ीन को गिरफ्तार किया। अवैध डोडा पोस्त की कीमत करीब 73 लाख रुपए बताई जा रही है। बाड़मेर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बाड़मेर के लोग झारखंड से चावल की फूसी होती है, इसमें झारखंड से पोस्ता लाकर इस तरह की कार्रवाई करती है। इसमें पूर्व में भी बाड़मेर पुलिस द्वारा पहले कार्रवाई की गई थी। DST टीम प्रभारी विक्रम सिंह को इस तरह सूचना मिली कि एस्कॉर्ट करके और झारखंड से ट्रक के द्वारा डोडा पोस्ता लाया जा रहा है, तो ट्रक नंबर GJ18AU9877। तो ऐसे टीम मिली तो बाड़मेर जिले में नाकाबंदी चल रही थी, तो नाकाबंदी का कुछ एहसास हो पता चलने पर उन्होंने ट्रक को सनावड़ा की तरफ ही खड़ा किया। जो एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो द्वारा जो गाड़ी की जा रही थी तो उसको तुरंत ही जो एस्कॉर्ट कर रहे थे उसमें धर्माराम, उसको DST टीम द्वारा कैच किया गया और पकड़ा उसको। तो इन्होंने बताया कि ट्रक इन्होंने सनावड़ा की तरफ खड़ा किया गया। ये चीज़ शाम के टाइम के समय उन्होंने दस्तयाब किया था, ये पता लगा तो मेरे द्वारा नाजिम अली एडिशन SP त्वरित अनुसंधान सेल SHO रिको, SHO कोतवाली, SHO सदर को भेजा और इन्होंने कार्रवाई की। तो फिर रात्रि के टाइम कार्रवाई करते हुए एक ट्रक GJ18AU9877 थे उसमें कार्रवाई की तो लगभग 491 किलोग्राम डोडा पोस्ता बरामद किया गया। और उसमें जो एक लक्ष्मण पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल था उसको उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ और गिरफ्तार किया गया। जो एस्कॉर्ट में जो स्कॉर्पियो थी उसको हमने दस्तयाब कर लिया और दो व्यक्ति, एक हनुमान पुत्र धर्माराम जाति जाट और धर्माराम जो पूर्व में भी 178/23 जो NDP झारखंड से ट्रक में पोस्ता लेके आया था, बड़ी कार्रवाई की गई थी उसमें भी वांछित था, उनको दस्तयाब किया गया है। और पूरी कार्रवाई एक बाड़मेर जिला द्वारा एक शानदार कार्रवाई की जाए, इसमें कौन कौन घिरे है, कौन कौन सक्रिय वांछित टीम गठित कर दी गई है और एक SIT का गठन किया गया है। नाजिम अली जी एडिसन साहब के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है, तो उसमें और भी जो भी इस तरह के वांछित जो मुलजिम है उनको शीघ्र ही दस्तयाब कर लिया जाए। पुलिस द्वारा चालक से अवैध डोडा पोस्त खरीद फरोख्त को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक में अवैध डोडा पोस्त झारखंड से भरकर चौटन थाना क्षेत्र के तारातरा इलाके में सप्लाई करने के लिए आ रही थी। पुलिस अब तस्करों के नेटवर्क से कौन कौन लोग शामिल है इसको बारे में पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने प्रभारी जिला स्पेशल टीम विक्रम सिंह, सदर थानाधिकारी सत्य प्रकाश, कोतवाल लेखराज सिया, बाड़मेर ग्रामीण थानाधिकारी दिनेश लखावत, रिको थानाधिकारी देवाराम, चौटन थानाधिकारी पद्माराम में पुलिस टीमों द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।